आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर 20 मार्च को गोरखपुर पहुंचेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद 21 मार्च को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। बीमारों की पहचान छोड़ उभरा सक्षम और समर्थ उत्तर प्रदेश। 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने जताया प्रदेशवासियों का आभार। कहा, व्यवस्था में रिफॉर्म करके परफॉर्म करते हुए किया यूपी का ट्रांसफॉर्म। वहीं प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने किया विकास कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन। कहा, दमदार योगी सरकार। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर समाज कल्याण तथा जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने आयोजित प्रेस वार्ता में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर है अग्रसर। राजघाट थाने का हिस्ट्री शीटर, पूर्व पार्षद रविंद्र निषाद के घर पुलिस ने कराई मुनादी। खदनी थाने में उपद्रव व हत्या के प्रयास के मामले का आरोपी है पूर्व पार्षद। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि योगी सरकार 4 साल बेमिसाल। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोरखपुर सहित पूरा प्रदेश विकास के पथ पर है अग्रसर। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर समाज कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 4,41,00,000 के चेक सहित ट्राई साइकिल का किया वितरण। कहा, 4 साल योगी सरकार बेमिसाल। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वर्णिम 4 वर्ष पूरा होने पर राप्ती तट स्थित श्री राम घाट पर हुई भव्य आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की गई कामना। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक कुल 38 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 7 अप्रैल को होगा मतदान और मतगणना। बेतियाहता स्थित एक क्लिनिक में मनाया गया 14वां विश्व निद्रा दिवस। डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, थोड़ी सी सावधानी से मिल सकता है निद्रा की बीमारी से छुटकारा। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का महाप्रबंधक रेलवे ने किया शुभारंभ। विभिन्न खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। 44 यूपी बटालियन एनसीसी के सीटीसी 167वें कैंप का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। कैंप में आयोजित प्रतियोगिता के विजय प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। प्रदेश के योगी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चेतना तिराहे पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। कहा, योगी सरकार में बढ़ा है महिलाओं का सम्मान। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,526। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 43 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्रदेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने चेतना तिराहे पर किया आतिशबाजी। सरकार के कार्यों की सराहना। और सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग के 5 दिवसीय स्काउट गाइड कैंप का हुआ समापन। छात्राओं द्वारा लगाए गए टेंट का मुख्य अतिथि ने किया अवलोकन। कहा, शिक्षा और संस्कार से व्यक्ति बनता है महान।